इस वीडियो में हम बात करते हैं किया सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक। हमने कुछ महीने चलाया था किया सेल्टॉस, वो फेसलिफ्टेड टर्बो पेट्रोल था। नए वाले सेल्टॉस में किया ने इंजन की अगर आप बात करेंगे उसमें नया टर्बो पेट्रोल है, अगर डीजल इंजन में कोई चेंज है नहीं। तो ये है 1.5 का डीजल ऑटोमेटिक जो मैंने पहले कभी चलाया नहीं था पुराने वाले सेल्टॉस में। इट्स गुड टाइम टू ड्राइव द न्यू सेल्टॉस विद अ डीजल ऑटोमेटिक, क्योंकि ये एक ऐसा इंजन कॉम्बिनेशन है जो आजकल काफ़ी कम हो रहा है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में आजकल सब पेट्रोल ही मोस्टली देते हैं, डीजल काफ़ी कम हो चुका है। इनफैक्ट देयर आर जस्ट अ फ्यू एसयूवीज दैट ऑफर डीजल। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस सेगमेंट में, क्रेटा में आपको मिलेगा डीजल ऑटोमेटिक एंड ऑब्वियसली इन दिस सेल्टॉस विच गेट्स यू अ डीजल ऑटोमेटिक। अगर मैं इंजन्स के बारे में बात करूँ यहाँ पे आपको 1.5 का डीजल मिलता है, 116 bhp एंड 250 nm टॉर्क। अगर आप गियरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे आपको टेक लाइन में स्टैंडर्ड मिलेगा IMT, बट अगर आप टॉप एंड में जाते हैं तो आपको एक टॉर्क कन्वर्टर मिलता है विद पैडल शिफ्टर्स, दैट्स इन द GT लाइन एज वेल एज एक्सेलेंट प्लस टॉप एंड वाला। तो सारे टॉप एंड ट्रिम्स में आपको एक टॉर्क कन्वर्टर मिलता है। अगर प्राइस के बारे में बात करें ये लगभग 19 से 20 लाख रुपीज़ का है टॉप एंड। सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेल्टॉस दैट यू कैन बाय वो है डीजल ऑटोमेटिक। तो अगर आपकी रनिंग हाई है, आपको कन्वीनियंस चाहिए ऑटोमेटिक का, डज इट मेक सेंस? वेल इन मेनी वेज येस इट डज। ऑटोमेटिक से काफ़ी ईजी होता है चलाना एंड ऑब्वियसली विथ डीजल यू गेट एक्सीलेंट फ्यूल एफिशिएंसी। सबसे पहले मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करता हूँ क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू बाय अ डीजल कार। यहाँ पे आपको लगभग जो ऑटोमेटिक है उसमें थोड़ा सा कम मिलता है व्हेन कंपेयर टू द IMT, बट इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपको यहाँ पे सिटी में यू विल गेट 14-15 किलोमीटर्स पर लीटर, डिपेंड्स ऑन द वे यू ड्राइव, एंड हाईवे में आपको और भी ज़्यादा लगभग 16 का मिल जाएगा। ऑफिशियल इट्स अराउंड 19 फॉर द ऑटोमेटिक और IMT में आपको 20 मिलता है। तो माइलेज काफ़ी अच्छा है, वे बेटर दैन द पेट्रोल्स, सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट। और ऊपर से रेंज भी काफ़ी अच्छा है, तो इन अ फुल टैंक यू गेट लॉट मोर रेंज दैन द पेट्रोल सेल्टॉस फॉर ऑब्वियस रीजन। यहाँ पे आपको लगभग 800 प्लस आपको मिलता है किलोमीटर पर रेंज। अगर मैं चलाने की बात करूँ, दिस इज़ एन ऑटोमेटिक, तो मैनुअल से आपको इट्स बट मोर ईजियर टू ड्राइव, देर इज हार्डली एनी लैग, इट्स वेरी लीनियर पावर डिलीवरी, काफ़ी अच्छा है चलाने में। आई वुड से दैट द पावर डिलीवरी इज ट्यून्ड फॉर अ लीनियर साइड। और अगर मैं गियरबॉक्स के बारे में बात करूँगा, इट्स अ नाइस गियरबॉक्स, थोड़ा स्लो है बट यू डू गेट पैडल शिफ्टर्स विच मेक्स ड्राइविंग ईजी। आपको इंस्टेंट परफॉर्मेंस ये यूज़ द पैडल शिफ्टर्स, आपको ड्राइव मोड्स भी मिलता है बट इट्स स्लाइटली ऑन द स्लो एज इट हैंग्स ऑन टू द गियर्स अ बिट मोर, बट इट्स फॉर लो स्पीड इट्स वेरी स्मूथ, काफ़ी रिफाइंड है ये इंजन, तो लो स्पीड आपको कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव। इट्स ओनली टू पुश हार्ड दैट इट्स गेट्स अ बिट ऑडिबल और थोड़ा सा लैग है, बट अदर इट्स ओनली मेन टू पुश इट हार्ड। अदर देन दैट फॉर सिटी यूज इट्स वेरी वेरी रिफाइंड, इट्स वेरी इजी टू ड्राइव, रिफाइनमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो येस इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस डीजल ऑटोमेटिक काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस है, क्योंकि अगर आपकी रनिंग हाई है इट मेक्स सेंस टू गो फॉर अ डीजल ऑटोमेटिक स्टिल इन टूडेज डे, जहाँ पे डीजल कम हो रहा है। सेल्टॉस इज वन ऑफ द फ्यू SUVs दैट ऑफर्स अ डीजल ऑटोमेटिक। तो येस प्राइस के ज़्यादा इट मे नॉट बी एज फन टू ड्राइव एज द 1.5 टर्बो पेट्रोल, बट यहाँ पे आपको अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी मिलता है एंड दैट इज़ द बिगेस्ट रीजन टू बाय द सेल्टॉस डीजल ऑटोमेटिक। उसके साथ साथ आपको टॉप एंड GT लाइन में मिलता है, X लाइन में मिलता है, सारे फीचर्स जो हमने पहले सेल्टॉस में बात किया सब यहाँ पे मिलता है, इंक्लूडिंग मैसिव पैनोरामिक सनरूफ, ADAS भी मिलता है, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यू गेट अ होल लॉट ऑफ स्टफ। तो काफ़ी ऑलराउंडर SUV है, और आपको एफिशिएंसी चाहिए, डीजल ऑटोमेटिक सर्टनली इज अ चॉइस दैट यू शुड कंसिडर।